The question is: Discuss the pivotal involvement of Indian youth in the protest against the all-white Simon Commission, highlighting its substantial contribution to the political mobilization within the national movement. Introducing Edekimi's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023 this program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. here's what you can expect. seven subject-wise pyq sessions, 18 full-length tests, including two essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, eight practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. get ready to excel in your mains. with this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. don't miss out on this opportunity register now and seize the chance to become an expert in your main's preparation take charge of your aspirations and make them a reality

ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है अगर बहुत ज्यादा नहीं है इन डेप्थ आपने नहीं है स्टिल यू नो कि साइमन कमीशन में क्या था ऑल वाइट कमीशन था जिसको के अगेंस्ट इंडिया में काफी मस प्रोटेस्ट हुआ तो ये सब चीज आपको पता है लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है क्या इतने ही इन्फॉर्मेशन में कैन यू फ्रेम अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव आंसर इसी चीज को आज हम लोग देखने वाले सबसे पहले हम लोग जब लिखेंगे तो वी विल सी डिटेल रिक्वायरमेंट्स है क्वेश्चन के उसको वी हैव सीन की सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया जीएस वन एंड टू फिफ्टी वर्ड्स में पूछा गया है। तो वन एवर एचन इज अंडर टू फिफ्टी वर्ड्स तो दिस इज गोइंग टू ब कॉम्प्रेहेंसिव आंसर कम्पेयर टू वॉट यू राइट इन अ टेन मार्क क्वेश्चन जहां पर वर्ड लिमिट वन फिफ्टी वर्ड रहता है इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम में टेन मार्कर और फिफ्टी मार्कर क्वेश्चन दोनों आएंगे तो अगर आप टेन मार्कर में बहुत ज्यादा लिख रहे हैं एंड इफ यू आर राइटिंग लेस इन मार्क्स तो दिस इज नॉट गोइंग टू गेट यू एंड फैच यू मैक्सिमम मार्क्स जितना भी रिक्वायरमेंट है अगर एक क्वेश्चन में इफ यू नो अलॉट ऑफ थिंग्स आपको बहुत चीज पता है अबाउट अ सर्टेन टॉपिक एंड इट हैज बीन अंडर हैली वन फिफ्टी वर्ड लिमिट में तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें बहुत ज्यादा लिख देना है है और आप 200 वर्ड्स को क्रॉस कर जाइए 150 वर्ड्स के विधि नहीं लिखना है जितना इन्फॉर्मेशन है उसको कोशिश करिए कि लिमिटेड यूज ऑफ वर्ड्स में आप उसमें डाल सके और सारे रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर पाए वहीं अगर हम लोग देखेंगे तो एक 250 वर्ड्स का क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें यू हैव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन है लेकिन स्टिल यू हैव टू राइट टू फिफ्टी वर्ड्स तो यहीं पर जो है प्रैक्टिस काम आता है अब देखिए क्वेश्चन जो कि टू फिफ्टी वर्ड्स में आपसे पूछा गया है अगर उस क्वेश्चन को आप वन फिफ्टी वर्ड्स में लिखते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन थ्री और फोर मार्क्स आउट ऑफ फिफ्टीन मार्क्स तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि प्रोपोशनलिटी आपको मेंटेन करना है इफ अ क्वेश्चन इज आज अंडर फिफ्टीन मार्क्स टू फिफ्टी वर्ड्स यू हैव टू राइट एटलीस्ट टू ट्वेंटी वर्ड्स तभी जाके आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं इफ यू कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन सेल टू क्वेश्चन एल टू क्वेश्चन हम लोग इसलिए कैटेगराइज करेंगे कि बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट साइमन कमीशन इन्फॉर्मेशन है आपके पास जनरली द द्वेश्चन दैट आर आज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री वॉट एवर में बी द क्वेश्चन वेदर इट इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटीज लाइक महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू और इट इज रिलटेड टू सम मूवमेंट आपका जो है खिलाफत मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस साइमन कमीशन के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है क्विट इंडिया मूवमेंट तो इसके बारे में क्या होता है कि यू हैव इन्फॉर्मेशन यू हैव स्टडीड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर प्रम्स तो आपको इन्फॉर्मेशन है लेकिन यू डोंट हैव दैट मच इंफॉर्मेशन की आप फिफ्टीन मार्कर क्वेश्चन को फ्रेम कर दीजिए ऑब्वियसली यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट साइमन कमीशन की क्या हुआ था कैसे हुआ था लेकिन क्या आप उसको टू फिफ्टी वर्ड्स में लिख सकते हैं ये जो है सबसे बड़ा चैलेंज है और यही चीज जो है आप आंसर राइटिंग से सीखते हैं और यही एक तरह से बोल सकते हैं दिस इज एन आर्ट इस

प्रोटेस्ट का रीजन बना सबसे पहले क्या है कि प्राइमर ड्यू टू दी लैक ऑफ इंडियन से किसी को भी नहीं मिला था. ना, ही वो स्टेट्स थे, ना ही वो लीडर्स को बोला गया था टाइमिंग इसका बहुत अप्रोप्रिएट था बिल्कुल अचानक से किया गया और परसेप्शन ऑफ बाइस इन इट कॉम्पोजिशन यह माना गया कि इंडियंस आर नॉट वर्दी एन एफ टू तो फ्रेम अस्टिट्यूशन फॉर देमसे तो इसी कारण ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया में काफी ज्यादा लोगों को दिल पे लग गया आप बोल सकते हैं इस तरह से और इसके बाद काफी स्ट्रांग प्रोटेस्ट देखने को मिला जब साइमन कमीशन इंडिया लैंड की तो यू ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दीस थिंग्स मैं बस आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसको अगर आपको कैसे लिखना है तो आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं कि क्या था एंड वाई इट वॉज अपोज यूनिमसली क्योंकि लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन अप्रोप्रियट टाइमिंग और परसेप्शन ऑफ बाइस इन इट्स कॉम्पोजिशन तो यू हैव इंट्रोड्यूसड वेल इस आपने थर्टी टू थर्टी फाइव वर्ड्स में इंट्रोड्यूस कर

यूथ्स ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था लेकिन साइमन कमीशन एंड आफ्टर दैट सिविल डिसोबीडियंस इसके समय जो है यूथ्स ने और पिवोटल रोल जो है प्रोवाइड किया एक तरह से एंकर किया इस पूरे मूवमेंट को कि फर्दर जो है जो रहा था? तो सबसे पहले क्या करी कि ड्यूरिंग दी साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके समय जो है क्या क्या हुआ था जिसमें का काफी कंट्रीब्यूशन था इन सब पॉइंट को आप यहां पर कवर करिए ठीक है जैसे आप कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उस समय बहुत ज्यादा

स बढ़ाने लगे कि हमें जो है आजादी की तरफ मूव करना है तो उस समय जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेंस ने साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के समय काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया और उस समय बहुत सारे जो है आप बोल सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजन जो है वो सामने उभर के आए जैसे ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ए आई एस सो स्टैब्लिश इन सेवन यू कैन राइट दिस पॉइंट एक पॉइंट आपने लिख लिया उसके बाद है स्टूडेंट प्रोसेस एंड प्रोसेशन इसमें क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक्स बाइकॉट डिमोस्ट्रेशन ये जो है काफी ज्यादा अच्छे से किया गया और किसके द्वारा किया गया स्टूडेंट्स लोग जो थे वो फोर

दिस मूवमेंट क्योंकि एंटी साइमन कमीशन जो मूवमेंट था वो बेसिकली ये वी आर गोइंग टू फ्रेम सेल्स हम जो अपना जो है, वो अपने से ही बनाएंगे थीके? और जिसमें भी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे उसमें इंपॉर्टेंट तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन था एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट का यह यहाँ पर ये देखने को मिला है इसके बाद क्या यूनिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट रिलीजियस कास्ट रीजन के लोग जो है जो है यहां पर देखने को मिले इवन जो जितने रिलीजियस है जैसे हिंदू मुस्लिम सिख सबका जो है पार्टिसिपेशन रहा

पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था थ्रू आउट दी कंट्री इवन इन दी नॉर्थ ईस्ट आप बोल सकते हैं साउथ में सब जगह देखने को मिला आपको पता है 1932 के समय जो है फिर एक नागालैंड में रानी गंदी उनका भी नाम आप ले सकते हैं तो यहां पर तो पर बहुत सारे चीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि इसके वजह से पूरे कंट्री में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इंप्रूव हुआ इसके बाद इंपैक्ट ऑन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स इसके बाद जो ब्रिटिशर्स जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स ला रहे थे वो बहुत ज्यादा इससे क्योंकि पता है एंटी साइमन कमीशन वो इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना ज्यादा जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो जाएगा तो फर्स्ट

इस पूरे इनिशिएटिव का यही मतलब है कि रियल एग्जाम में क्या होने वाला है उस पर हम लोग फोकस करें बिकॉज राइटिंग एंड आंसर सिटिंग एट योर होम और एग्जामिनेशन हॉल ये बहुत डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को जो लोग समझ जाते हैं कि आप इतना ही परफॉर्म कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन हॉल और इतने में ही हमें मुझे बेस्ट देना है वही लोग जो है वो मैक्सिमम स्कोर लेके आते हैं तो बस आपको ऐसे करते रहना है आपको डेली एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है एंड वी हैव ऑलरेडी डूइंग दी प्रिमस क्वेश्चन ऑल्सो फाइव क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं जो कि आपको इन टच रख रहे हैं प्रेलिम्स प्रिपरेशन में ऐसा नहीं है कि मेंस के दौरान प्रीलिम्स को पूरी तरह से भूल जाना है प्रीलिम्स को भी क्वेश्चंस देखते रहिए आंसर सॉल्व करते रहिए इसी तरह से जो है वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू